हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस जो है, मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि आपको पेन कैसा था, प्री मेच्योर डिलीवरी का पेन कैसा होता है। स्पेशली जब मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो स्पेशली 5 मंथ या 5 मंथ कंप्लीट होकर 6 मंथ में होता है। तो मैं स्पेशली जिन लोगों का IVF हुआ है, उन लोगों को मैं बताऊँगी कि अगर ऐसा कुछ पेन होता है आप लोग को, तो आप जो है मतलब लेट मत कीजिए, इमिडिएट बेसिस में डॉक्टर से कंटेक्ट कीजिए अगर ऐसा कुछ होता है। और कैसा डिस्चार्ज भी होता है उस बारे में भी बता दूंगी, क्योंकि मेरा साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे पता नहीं था एक्चुअल एग्जैक्ट में क्या होता है, कैसा पेन होता है, कैसा डिस्चार्ज होता है, जिसके वजह से मुझे इतना पता नहीं चल पाया कि हाँ ये मतलब डिलीवरी का पेन है। तो मेरे साथ ये सब हो गया, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर किसी का IVF हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या फिर IUI हुआ हो, अगर ऐसा कुछ भी होता है, हो सकता है आप लोग थोड़ा केयरफुल हो जाए, आपका प्रेगनेंसी सेफ हो जाए। एक चीज़ तो है, जो होने को रहता है वो तो होके ही रहेगा, हम लोग लाख ट्राई करें फिर भी वो बदल नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होता है, कोई कोई चलते चलते गिर के डेथ हो जाता है, और कोई कोई कैंसर होता है, कैंसर से भी ठीक हो जाता है। तो ये भी कुछ है कि जिसको जाना रहता है वो तो जाके ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम लोग के तरफ से कुछ गलती होता है तो हम लोग रिग्रेट करते हैं, अगर हम ये कर देते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। तो मैं आप लोग को बताऊंगी एग्जैक्टली पेन कैसा होता है। फर्स्ट थिंग तो आपका कमर से पेन शुरू होगा, कमर पे पेन होगा, पेट में पेन होगा, पीरियड्स के टाइम में जैसा पेन होता है एग्जैक्ट वैसा पेन होगा, बट पीरियड्स में लाइट पेन होता है, इतना दर्द नहीं होता, उस टाइम ज़्यादा पेन होता है। और आपका पेट जो है नीचे वाला पोर्शन जो है वो टाइट हो जाता है, तब मतलब उस टाइम आपको टॉयलेट भी लगेगा, लैट्रिन भी लगता है कि क्या करने से थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, तो ऐसा पेन होता है। और आपका डिस्चार्ज जो है, जैसे लुब्रिकेट होने से डिस्चार्ज कैसा रहता है, थोड़ा स्टिकी टाइप का, वैसे ही डिस्चार्ज होता है। तो ये जो था मेरा एक्सपीरियंस था, जो उस दिन मुझे हुआ था, ये डिस्चार्ज भी हुआ था और पेन जो ऐसे शुरू हुआ था, और वो पेन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली होते जाएगा, होगा ठीक हो जाएगा, होगा ठीक हो जाएगा। तो ये क्या होता है ना, जब ठीक हो जाता है तो दिमाग से हट जाता है, मतलब हाँ चलो ठीक हो गया, फिर कुछ देर के बाद फिर शुरू हो जाता है। तो ये आते जाते रहता है ये जो पेन। तो जबकि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मुझे पता नहीं चला, इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का एक ही मकसद है कि अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो आप लोग इमीडिएट बेसिस में डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अगर उनका हाथ में कुछ हो पाएगा तो हो सकता है आपका प्रेगनेंसी सेव कर दें। ये जो स्टेज में आके 5 मंथ 6 मंथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत पेनफुल होता है, जिसका हुआ है सिर्फ वो ही ये दर्द समझ पाएगा। तो अगर 7 मंथ हो जाता है, 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है और अब मतलब सिटी में है, जैसे बेबी को NICU में रखने का फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है, देन आपका बेबी सेफ हो जाता है, और पैसा है कि आप अफोर्ड कर पाए NICU का। NICU का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, पर डे का हिसाब से 10-12 हज़ार से कम नहीं होता है। अगर 7 मंथ में होता है तो एटलीस्ट आपको 3 मंथ रखना होता है, तो खर्चा तो है ही, बहुत खर्चा है। फिर भी जो है सब कोई ट्राई करते हैं उस टाइम कि मेरा बेबी सेफ हो जाए, कुछ भी करे ऐसा। तो कभी कभी मेरा मन में उस टाइम ऐसा भी फीलिंग्स आ रहा था, हो सकता है अगर किडनी भी बेचना पड़े तो किडनी भी बेच दूँ और बेबी को सेव कर लूँ। तो उस टाइम एक माँ तो यही सोचेगी, जो मेरा सोच था। तो गाइस, अगर आप लोग को ऐसा कुछ दर्द होता है, पेन होता है, या डिस्चार्ज हो, और जैसे पानी जैसा भी किसी किसी का डिस्चार्ज होता है, जिसका वाटर लीकेज होता है, तो वैसा भी होता है, बट वो जो था मेरा नहीं हुआ था, इसलिए उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। तो मेरा जो हुआ था मैं आप लोग को वो बता रही हूँ। अगर गाइस आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।